था और गुजरात से दस हजार टन माल लिया है क्योंकि उन्होंने मेरे मतलब की वराइटी लगाई थी वहां सिक्स पॉइंट सिक्स जीरो जो मिडल ईस्ट के अंदर सबसे पॉपुलर है और यहां से स्वर्णा का मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया बड़ा अच्छा है कोस्टल एरिया से अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं हमारे अंदर उड़ीसा के जो मिलर्स हैं उनमें प्रॉब्लम क्या है एक्सपोर्टर्स और मिलर्स के बीच में प्रॉब्लम क्या है उसको हमने पिछले चार महीने से स्टडी किया और पाया कि यहाँ का जो मिलर है ना वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लेके चलता है यहाँ काफी का सारे लोग हैं वैसे तो लेकिन ये मिल के नहीं कोई काम कर सकते जब हम रायपुर के अंदर हमने शुरू किया था तो रायपुर के अंदर मिलर्स ने को हमने बैठा के समझाने की कोशिश की थी जैसे आज समझा रहे हैं कि आप एक कार्टल बना लीजिए काटल मीन एक ग्रुप बना लीजिए ये मैंने थाईलैंड में सीखा था थाईलैंड के अंदर जो एसोसिएशन हैं रीजनल एसोसिएशन या उनकी सेंट्रल एसोसिएशन है उनके पास आप चावल खरीदने जाइए मैं उनके पास 1997 में सऊदी अरेबिया के लिए चावल खरीदने गया सोमालिया के अंदर ड्रॉट था वहाँ पे डालने के लिए तो जितने के पास भी गया सब ने एक ही रेट कोट किया यानी कि 400 डॉलर से लेके और 405 डॉलर के बीच में ही सब ने रेट कोट किया और मुझे ये नहीं लगता था कि ये दे पाएंगे ये छोटे छोटे मिलर्स हैं उस समय की 20 साल पहले की कंडीशंस में वो ऐसे ही एक होटल में इकट्ठे हो गए और मुझे बुला के कहा कि आपको कितना चावल चाहिए हम देंगे मैंने कहा आप पहले ये समझाओ दोगे कैसे तो उन्होंने कहा जी हमारी एसोसिएशन ने डिसाइड किया है हम आपको चार भी नहीं देंगे हम आपको चार भी नहीं देंगे हम आपको तीन का रेट देंगे और दो लाख टन चावल देंगे तो सब मिल गए सब मिलने के बाद ए ने लिखवाया कि मैं पाँच टन दूंगा बी ने लिखवाया मैं एक टन दूंगा सी ने लिखवाया मैं इतना दूंगा डी ने लिखवाया मैं इतना दूंगा और वो दो लाख टन हो गया जब मैं हिंदुस्तान वापस आया तो कॉन्टीग्रेन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी कॉन्टीग्रेन वो अब खत्म हो गई है कारगिल में मिक्स हो गई है तो कॉन्टीग्रेन ने अपना एक आदमी को अपॉइंट किया उसका उनका नाम था गोविंद अम्बाणी इंडियंस थे इंडियन एक टीम बनाई कि हिंदुस्तान से चावल लो तो गोविंद अंबाणी ने मुझे अप्रोच किया मैंने उसको यही प्लान बताई और हमने तीन लाख टन है चावल एक्सपोर्ट किया किसी ने पांच हजार टन दिया किसी ने दो हजार टन दिया किसी ने एक हजार टन दिया और वैसल भर भर के विशाखापट्टनम में काम चलता था काकीनाडा में काम चलता था आ, कांडला में काम चलता था सब जगह काम चलता था इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अटल जी की शासन के अंदर शांता कुमार मिनिस्टर थे और एफ के एफ के चेयरमैन थे भूरे जी तो उन्होंने एज एक्सपर्ट हमको बुलाया कि हमारे पास इतना चावल है गुड़ाउनों में ख़राब हो रहा है इसका क्या करना चाहिए तो एस को अपॉइंट किया था लेकिन जो लोग थे ट्रेडर थे वो एस को नहीं मानते थे उन्होंने कहा हमारा एक आदमी होना चाहिए और जॉइंट स्टडी होनी चाहिए उस जॉइंट स्टडी में यह पाया गया कि इस चावल को अगर एक साल के दो साल के बीच में अगर एक्सपोर्ट ना कर दिया जाए तो ये सब बेकार हो जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के बाद सारे लोगों को वो चावल दिया गया उसमें कोई बेईमानी नहीं थी बाद में लोगों ने कहा कुछ बेईमानी कोई बेईमानी नहीं थी और उसका हमने बेनिफिट उठाया और मैंने खुद छः लाख टन चावल उठा के लोगों ने एस सच किया एक्सपोर्ट आप सुनिए बात को टेक्नोलॉजी के हिसाब से लोगों ने एक, एस सच किया एक डॉलर में और मैंने उसको प्रोसेस करके किया 189 डॉलर में और नाइजीरिया में किया और नाइजीरिया में एक ब्रांड बनाया रेड टमेटो और खाली नाइजीरिया में किया नाइजीरियंस को इंडियन चावल खाना सिखा दिया मैंने आपको कहा कि अगर आप अभी एक जो लास्ट एक्सपीरियंस उड़ीसा पे आना चाहिए तो उड़ीसा के अंदर एक वैसल भरने के लिए बड़ी मुश्किल हो गई अगर यह एसोसिएशन होती तो शायद वो वाला जो तंजानिया वाला फैक्टर है इस फैक्टर को हम इराक में इंट्रोड्यूस कर देते ईरान से इराक से एक लाख बीस हजार टन का ऑर्डर मिला टेंडर और ये सोच के लिया कि यहाँ की बैट से स्वर्णा हम आया थर्टी सिक्स शायद एक लाख टन कर डालेंगे पर तो कोई आगे नहीं आया तो आप बैठ कर एसोसिएशन लेवल पर कुछ ऐसा कीजिए कि ताकि आपको ग्रोथ मिले सब ग्रोथ मिलेगी तो टेक्नोलॉजी आएगी ग्रोथ लेने के लिए ही टेक्नोलॉजी लाई जाती है अगर आप ट्रेडिशनल ढंग से काम करते जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप पीछे होते जा रहे हैं आप पैसा तो इस साल 20 लाख कमाया कल 30 लाख रुपए कमाया पर आप दुनिया में पीछे होते जा रहे हैं तो आज के सेमिनार करने का मकसद ये है कि आइए आप भी उस स्पेस में आइए और उस स्पेस में अगर आएंगे, तो उसमें फ्यूचर है और मैंने आपको बताया कि आप डेढ़ टन के ऊपर काम कर रहे हैं तो क्या होता था मैंने एक कंपनी ज्वाइन की बहुत बड़ी नाम नहीं लूंगा एज ए ग्रुप प्रेसिडेंट ज्वाइन किया उनकी दस बारह कंपनियाँ थी वो, वो वाला मैं चक्कर है ना कॉरपोरेट वाला वो छोड़ चुका हूँ साठ साल का होने के बाद छोड़ दिया था वो अब मैं यही काम करता हूँ ब्रांड को डेवलप करता हूँ ये करता हूँ और उसके अंदर ये था कि जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो मैंने असेस किया कि उनका एक एक आदमी 33 परसेंट से 42 परसेंट के बीच में काम करता है जब हमने उनको ठीक करना शुरू किया तो लोगों को बड़ा प्रेशर आया लाला जी के पुराने पुराने जो लोग थे वो कहते थे कि जी ये शर्मा जी तंग करते हैं तो उनको समझाया कि अभी तो ये 45 पे आए हैं अभी तो इनको 90 परसेंट पर जाना है तो जब 90 परसेंट पर जाना है तो उसका तरीका क्या था कह लगा शर्मा जी ये मेरे लोग बयालीस लोगों को छोड़ दीजिए आप बाकी आप देखिए तो जब ग्रोथ हुई तो मेरे पास एम्प्लॉज थे 745। तो माइनॉरिटी में आ गए थे सोच वाले एंड वी बिकेम द वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस हमने ईरान के अंदर एक ही साल में डेढ़ लाख टन जैसे तंजानिया में किया था ऐसे ईरान के अंदर डेढ़ लाख टन चावल डाल के ब्रांडेड इंडिया को मार्केट दे दी थी हमें उसमें 20 करोड़ का लॉस हुआ था पर लॉन्ग टर्म पे फ़ायदा हुआ तो लॉन्ग टर्म के फायदे के लिए आपको जरूर कुछ ना कुछ चीज सीखने की बहुत जरूरत है और ट्रेड के अंदर मॉडर्न ट्रेड में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की बहुत सख्त जरूरत है क्यों क्योंकि आप हिंदुस्तान के अंदर फर्स्ट एट में आते हैं मैं आपको कोई ऐसा सपना नहीं दिखा रहा हूं उड़ीसा वालों को कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं कि जी आप आए आपने अच्छी अच्छी बात की और चले गए क्योंकि आप फर्स्ट एट में आते हैं और दुनिया के जो चावल का मैप है उसके अंदर आप हैं और खाली चावल के मैप में नहीं है जो पारबलिंग सिस्टम है उसके मैप में भी है माले सारे चीज आपके फेवर होने के बाद नेचर आपके फेवर में सी ने आपको सारे डाटा दिए हुए हैं कौन सी लगवाएं कौन सी वेराइटी ना लगाएं क्या करें क्या ना करें वो मैं आपको दे दूंगा साहब जो निकाला है मैंने बुकलेट फॉर्म में तो ये सब होने के बाद अब आपको एक स्टेप आगे चलना है अपने विजन को चेंज करना है अपनी सोच को चेंज करना है ये लामा का एम है बेसिकली ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो फार्मर्स को आप सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप पानी चेक कर लें सॉइल चेक कर लें सॉइल को बराबर कर लें राइट सॉइल चेक करा रहे हैं वाटर चेक करा दें ये सब लैब्स वगैरह सब मेरी हैं मेरे पास हैं कभी आप मेरी हेल्प लेना चाहें तो आप मुझे भेज सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये टाइम पे प्लांटेशन होना चाहिए स्वइंग टाइम से होनी चाहिए चेक करना चाहिए वीकली ट्वाइसली थ्राइसली चेक करना चाहिए एसोसिएशन को टीम बनानी चाहिए एसोसिएशन को फॉर्मर्स को हेल्प करने के लिए ये सब टीम बनानी चाहिए ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अंदर बनी हुई है कौन सा पेस्टिसाइड यूज करना है कौन सा नहीं करना एसोसिएशन लेवल पे ये सब वैसे वाटर चेकिंग की ये सब लैब्स होनी चाहिए ये सब चेक करना जरूरी है एसोसिएशन लेवल पे आप चेक कर सकते हैं राइट right? जब पैडी निकलती है तो ये देख लेना चाहिए मिलर को थोड़ी गाइडलाइंस देनी चाहिए मंडी में या जाके कि भाई ज़्यादा मॉइस्चर की पैडी ना करें खराब हो जाएगी राइट जब मंडी आती है तो चेक कर लें कभी कभी चेक कर लें क्वालिटी चेक कर लें डी वगैरह लगा लें कि यील्ड क्या आएगी खरीदते वक्त आप देख सकते हैं कि क्या यील्ड आएगी अभी आप अंदेजा से करते हैं तो उसको पता लग जाएगा ब्राउन लेवल पे आपको क्या यील्ड मिलेगी पैडी को जब आप स्टोर करते हैं तो रेगुलर हवा लगाते रहें वैसे आप लोगों को बहुत कुछ पता होगा लेकिन इसको रिव्यू कर रहे हैं बिकॉज एक टेक्निकल सेमिनार है तो रिव्यू कर रहे हैं ये पार्बलिंग सिस्टम्स हैं प्रॉपर है ना उसमें वो लगनी चाहिए स्टीमिंग प्रॉपर लगनी चाहिए ड्राइंग प्रॉपर होनी चाहिए स्टोरेज के टैंक्स हैं ये आपका पैडी को है ना क्लीन करना डी स्टोनिंग करना डी हस्किंग है ये पैडी सेपरेटर्स हैं ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुल हैं मिलिंग ये बफिंग है कुछ राइस ब्रांड रह जाती है उसको हटाना ये ग्रेडिंग सिस्टम्स हैं सॉटेक्स है, है ये सब स्कैनर्स आ गए हैं लेंथ के लिए ये मॉइस्चर मीटर्स आ गए हैं कुछ लोग अभी भी हाथ से करते हैं फिर कोई भी आप प्रोडक्ट करते हैं उसका प्रॉपर वेमेंट ये वो मेटालिक टेस्ट एक चीज़ और है अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हैं तो आपको ये देख लेना चाहिए कि आप अपनी कोई सील बना लें ताकि इससे लगे कि ये एकदम प्योर एकदम अच्छा चीज़ है ये हमारा एक्सपोर्ट का है ये हमारे ब्रांड्स हैं मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी किया क्योंकि टाइम की कमी थी तो मैं ये चाह रहा था कि भाई मैं वन साइडेड करता रहा तो थोड़ा टाइम आपको दे दूँ कि भाई आप मेरे से कुछ पूछना चाहें तो बता दें आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं बाकी मैंने आपको बताया आप यहाँ से जब जाएं तो ये सोच के जाएं कि आप दुनिया में चावल उगवाने वाले लोग हैं चावल 50 परसेंट लोग दुनिया में चावल खाते हैं और चावल में बेशक प्रोटीन 7 परसेंट होता है लेकिन लोग इतना ज़्यादा जो चावल खाते हैं तो दुनिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन को प्रोटीन सबसे ज़्यादा कलेक्टिवली यानी अगर उसको तोल के देखें कलेक्टिवली सबसे ज़्यादा प्रोटीन दुनिया में चावल से मिलता है दुनिया में बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर उनको रोटी बनानी ही नहीं आती तो इसलिए उनको चावल खाने की मजबूरी है पर इसका जो आप मिलर्स यहाँ बैठे हैं वो उस बरदरी से उस उस ग्रुप से को रिप्रेजेंट करते हैं जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा चावल खिलाने वाले लोगों में से एक हैं दुनिया में चावल प्रॉब्लम कहाँ होती है प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जहाँ जा, पर कि एक लिमिट आ जाए एक ऐसा आ जाए कि हम ग्रो नहीं कर सकते हैं चावल दुनिया में इतना ज़्यादा तेज़ी से पैदा हो रहा है हर साल कि जितना कि पॉपुलेशन नहीं हो रही है फिर भी डिमांड है आप दुनिया में उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं आप दुनिया में उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत सूटेबल हैं आप सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान में रहते हैं यहाँ पे हर चीज़ प्रोड्यूस की जा सकती है पर उसको बेचने के लिए दुनिया में या डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बेचने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपने आप को जो दुनिया की अच्छी मेन स्ट्रीम है उसमें लाना पड़ेगा उसमें लाने के लिए कोई बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है अगर उसको बदलते हैं तो आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं थैंक यू हाँ बोलिए बोलिए

हमें सुन लीजिए दुनिया में दुनिया में अलग अलग सेगमेंट्स हैं ये ईस्ट अफ्रीका है ये वेस्ट अफ्रीका है ये साउथ अफ्रीका है ये मिडल ईस्ट है ये ये है अलग अलग जोनस हैं जो सबसे सस्ता जोन है जहाँ पर चावल के नाम पे आदमी को कुछ भी खिला सकते हैं वो ईस्ट अफ्रीका है खाली ईस्ट अफ्रीका के अंदर चौदह परसेंट के चावल को खाया जाता है क्योंकि शेल्फ लाइफ कम होती है चौदह की जब आप, आप इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो 30, 35, 40 दिन की वॉइस होती है और उस वॉइस के अंदर मॉइस्चर होता है ऑलरेडी दो दो क्रॉप्स होती है सुनिए दो क्रॉप्स होती हैं एक क्रॉप होती है रबी की क्रॉप एक होती है खरीफ की क्रॉप रबी की क्रॉप में मॉइस्चर ऐड होता है और खरीफ की क्रॉप में मॉइस्चर लूज होता है अगर आपने रबी की क्रॉप में चौदह परसेंट मॉइस्चर को रखता हुआ है तो वो जो सी में जा रहा है उसको मॉइस्चर लेगा और उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी ये साइंटिफिक रीज़न है इसका रीफ में कम होगा नैचुरल गरीब का अगर